हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के फटाफट खबरों से। लाठीचार्ज और तीन अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पैदल मार्च के बाद किसान ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों का कहना कि 19 सितंबर तक सभी जिलों में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि उन्हें भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का न्योता मिला है। सांसद धर्मवीर का पत्र उन्हें मिला है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया गया। साथ ही चडूनी ने कहा कि किसानों के हक के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2488 नए मामले सामने आ चुके हैं और अभी भी 20,079 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,000 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सिरसा के लघु सचिवालय में दो कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद एसडीएम कार्यालय को सील किया गया। शुक्रवार को सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करने से सैंपल लिए गए, जिसकी सोमवार को रिपोर्ट आई है। एसडीएम कार्यालय का कानून गो और डीडीपी ऑफिस के डाटा एंट्री ऑपरेटर कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद कार्यालय को दो दिन के लिए सील किया गया। इन दोनों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों की भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। ये जानकारी एसडीएम जयवीर यादव ने दी। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि दो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दो दिनों के लिए कार्यालय सील किया गया है। प्रदेश में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंचकुला में भी 42 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना से एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर मनकीरत ने पुष्टि करते हुए बताया कि 42 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के अलग अलग इलाके और सेक्टरों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे जिलों और राज्यों के भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया। साथ ही सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया जारी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तीमरदारों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और लापरवाही की जो तस्वीर सामने आई है, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया का भी ध्यान नहीं किया जा रहा है। अपना आशियाना के सेवादारों पर आरोप है कि शमशान घाट पर डीजल डालकर कोरोना से मृतकों की चिताएं जलाई जा रही हैं और राख के ऊपर से एम्बुलेंस निकाली जा रही है। संस्कार परंपरा का अपमान बताकर कई समाजसेवियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बलड़ी शमशान घाट पर कोरोना संक्रमण से मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए यहां 3 शव लाए गए। वहां उनके परिजन भी मौजूद थे, जिन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार और नगर निगम द्वारा कराए जा रहे दाह संस्कार की व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़े किए। गुरुग्राम में एमजी रोड स्थित सहारा मॉल पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाज गिरी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहारा मॉल को सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को लेकर बरती जा रही लापरवाही और खामियों के चलते सील किया है। बता दें कि नवंबर 2018 में जिला पॉल्यूशन विभाग ने सहारा मॉल के सीवरेज व्यवस्था के सैंपल लिए थे, जो कि जांच के बाद सही नहीं पाए गए थे। जिसके बाद पॉल्यूशन विभाग ने मॉल प्रबंधन पर जुर्माना लगाया था और मॉल प्रबंधन को इस व्यवस्था को बेहतर करने को भी कहा था, जिसके बाद मॉल प्रबंधन ने इसमें कोई सुधार नहीं किया। जिसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए मॉल को सील किया और वहीं सील होने के बाद मॉल के शॉपकीपर्स की परेशानी बढ़ गई है। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर बने गांव खोरी में बड़े पैमाने पर नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़फोड़ की। निगम ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की। इस दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बीच लोगों ने निगम अधिकारियों को विरोध भी जताया और पुलिस की मौजूदगी के चलते ज्यादा हंगामा नहीं हो सका।
गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक जवाब मांगा है। इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ निगम अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। तो वहीं इलाके के लोगों की माने तो उन्होंने ये जमीन गांव के ही लोगों से खरीदी है, जिसे अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। मनेठी एम्स के निर्माण को लेकर सोमवार को रेवाड़ी में डीसी यशेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्स निर्माण में जिस विभाग का जो कार्य है वो नक्शे का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में पोर्टल पर अपलोड हुई जमीन के बारे में विस्तार से मंथन हुआ। बता दें कि मनेठी एम्स को लेकर मुख्य सचिव अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में बैठक होगी। गौरतलब है कि मनेठी में बनने वाले एम्स के लिए जो पोर्टल पर जमीन अपलोड हुई है, उस जमीन के बीच कुछ बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कुरुक्षेत्र में राइस मिलर्स एसोसिएशन ने बैठक की। राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ज्वेल सिंगला ने कहा कि सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जो राइस मिलर्स के लिए पूरा करना मुश्किल है। साथ ही कहा कि प्रदेश के राइस मिलर ने फैसला लिया है कि जब तक प्रदेश की सरकार राइस मिलर के बनाए नियमों को सरल नहीं करती और थोपे गए काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक प्रदेश में मिलिंग का काम नहीं होगा और राइस मिल को बंद किया जाएगा। राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में आढ़ती, राइस मिलर और किसान प्रदेश सरकार से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स पिछले 90 दिनों से सिरसा के लोक सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पीटीआई टीचर्स ने बताया कि लोग 17 सितंबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उचाना स्थित निवास का घेराव करेंगे। साथ ही 19 सितंबर को गृहमंत्री अनिल विज और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का भी घेराव करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने उनके प्रतिनिधिमंडल को 1 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया। हमें उम्मीद है कि इस मुलाकात में सीएम मनोहर लाल की ओर से नौकरी बहाली के लिए सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। वहीं पीटीआई टीचर्स सरकार को चेतावनी देते हुए बोले कि अगर इसके बाद उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। गुआना के ककाना गांव में 4 दिन पहले बिजली की चोरी पकड़ने गए बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पिटाई की, जिससे नाराज बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर एसडीओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का वक्त देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो बिजली विभाग के एएक्सएन का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे पूरे गोहाना की बिजली की सप्लाई को बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मामले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बताया कि ककाना गांव में लगातार बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी। सूचना पर बिजली चोरों को रोकने के लिए छापेमारी करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने गाली देते हुए लाठी और डंडों से हमला कर दिया था। अंबाला की डीआरएम कॉलोनी के पास सुंदरनगर में पिछले कई महीनों से पाइपलाइन कार्य के कारण सड़क का बुरा हाल है। करीब 7 महीने पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रोजेक्ट को तैयार करवाकर इस एरिया में पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया। ये काम अब से 7 महीने पहले शुरू किया गया था। इसके लिए कॉलोनी में बनी सड़क को खोदा गया और पाइपलाइन बिछा दी गई। बावजूद इसके 7 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क को बनाया नहीं गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क बनवाकर समस्या का समाधान करें। जज्जर के गांव सलाना में तालाब का पानी जमा होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में भी पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात पाने की कोशिश करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क की हर गली और कई घरों में सीवर का गंदा पानी घुस गया है। रोहतक दिल्ली रोड पर नई सीवर लाइन डाली जा रही है। नई सीवर लाइन डालने वाली मशीन ने पुरानी सीवर लाइन को तोड़ दिया, जिसके कारण सीवर व्यवस्था लीक हो गई और लोगों के घरों के सामने गंदा पानी जमा होने लगा।
लोगों का कहना है कि गंदे पानी के बीच में रहने से उनके बीमारियों का डर बना हुआ है। वही वार्ड पार्षद के पति राजेश का कहना है कि ट्रैक्टर लगाकर सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, गलती सीवर डालने वाली कंपनी की है, नगर परिषद के अधिकारियों को भी बता दिया गया है। गुहाना के नूरनखेड़ा गांव में पिछले कई महीनों से पीने के पानी की समस्या है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण पैसों से खरीदकर पीने के पानी को मजबूर हैं। अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पानीपत के संदर रोड पर दिल्ली पैरेलल नहर में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर मौत की छलांग लगा रहे हैं। लगातार नहरों में डूबने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस की नाक के नीचे असंत रोड पर दिल्ली पैरेलल नहर में युवा बच्चे सड़क क्रॉस करते हुए जंप लगाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। अंबाला का जगाधरी चौक इन दिनों पार्किंग का अड्डा बना हुआ है। यहां लोग बीच सड़क अपने वाहन खड़े कर खरीदारी करने निकल जाते हैं, लेकिन इन वाहनों की वजह से दिनभर जाम की स्थिति शहर के इस मुख्य चौराहे पर बनी रहती है। इसी बीच लंबे समय से चल रही शिकायतों पर अंबाला की ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और यहां बीच सड़क पर खड़े वाहनों के चालान काटे। पुलिस ने मौके में बीच सड़क खड़े वाहनों को इंपाउंड किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहां लोगों को पहले भी समझाया जा चुका है, बावजूद इसके लोग सड़कों के बीचों बीच अपने वाहन खड़े कर जाते हैं और उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की माने तो एक कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी की सहायता ले रही है और नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान भी काट रही है। ट्रैफिक पुलिस ने इन कैमरों के साथ स्पीकर भी लगाए हैं। इन सभी कैमरों के लिए सेक्टर 20 में एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 2400 घंटे कर्मचारी अपनी पैनी निगाह रखते हैं। हार्डवेयर चौक पर तैनात ट्रैफिक के जोनल ऑफिसर ने बताया कि स्मार्ट सिटी के चलते शहर के ट्रैफिक पर निगाह रखने के लिए हर चौक चौराहे पर आधुनिक सीसीटीवी और स्पीकर लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हांसी सीआईए पुलिस ने ऑनलाइन ठग करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने ठग से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने महाराष्ट्र कर्नाटक में 40 से ज्यादा वारदातें कबूली, जिसकी जानकारी डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लोहारू में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां पीएनबी बैंक के सामने एक नाबालिग ने चोरी की वारदात को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। नाबालिग ने 20,80,000 रुपए पर हाथ साफ किए और वहां से चलता बना। चोरी की पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। हांसी में सीएम फ्लाइंग की टीम और फूड सेफ्टी ऑफिसर हिसार के निर्देश पर शहर में दूध और मिठाई की दुकानों पर मौजूद पदार्थों के सैंपल कलेक्ट करने पहुंचे। टीम ने मौजूद दुकानों के लिए सैंपल को जांच के लिए लैब भिजवाया। अचानक दुकानों पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर टीम के जाने का इंतजार करते नजर आए। फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविंद ने बताया कि उनके पास सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना आई थी कि हांसी में दूध और घी में मिलावट की जा रही है। इसको लेकर एक टीम का गठन कर शहर में दूध और घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भिजवाया गया। बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गुरुग्राम पुलिस लाइन में एक महिला ने सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। महिला ने ई टावर के सातवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। बता दें कि पुलिस लाइन में अपने हेड कांस्टेबल पति के साथ मृतका रहती थी और मृतका का पति पिछले 2 दिनों से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। सोनीपत के गांव प्याऊ मनियारी के पास रिक्शा अनियंत्रित होकर ड्रेन में पलट गया।
हादसे में एक बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई जबकि दो बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। 11 साल की बच्ची अपनी भांजी और दो भाइयों के साथ रिक्शा चलाकर बिस्किट दिलाने के लिए जा रही थी। इस दौरान रिक्शा नियंत्रित होकर पलट गया। 11 साल की बच्ची ने रिक्शे से कूदकर अपनी जान बचाई जबकि तीन बच्चे पानी में गिर गए। फिलहाल पुलिस लापता बच्चों की तलाश कर रही है। बीते कुछ दिनों से बढ़ते सब्जियों के दामों ने आम लोगों को परेशान कर दिया। ज्यादातर सब्जियां दो से तीन गुनी महंगी हो गई हैं। देश के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। आलू प्याज टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के दाम आसमान चढ़ गए हैं। इसको लेकर हरियाणा न्यूज ने कैथल सब्जी मंडी का रियलिटी चेक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जो सब्जियों पर टैक्स लगा दिया उससे भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। गुलाना के डाक विभाग में कर्मचारी द्वारा करोड़ों के घपले का मामला सामने आया। डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत बारूराम पर आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से गांव की महिलाओं और पुरुषों के करीब 1 करोड़ रुपए गबन किए। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी बारूराम पिछले 20 सालों से गांव के डाकखाने में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। लोगों की पोस्ट ऑफिस कॉपी में जमा पूंजी का काम भी करता था। बारूराम डाक थाना में उनकी पूंजी जमा करने के नाम पर फर्जी पासबुक बनाने लगा। आरोपी ग्रामीणों से पैसे तो लेता था लेकिन उन्हें आगे जमा नहीं करता था। अब एक हफ्ते से बारूराम ग्रामीणों की 1 करोड़ से अधिक की जमा पूंजी लेकर फरार है। लोगों ने उसके घर पर भी जाकर देखा, घर पर ताला जड़ा मिला। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। हालांकि डाकघर के अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई कराई जाएगी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पलवल के सौंद गांव में बने सरकारी अस्पताल के गेट पर चार बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई। इस दौरान गाड़ी में बैठे चार युवकों में से एक युवक को गोलियां लगी। पूरे मामले को लेकर घायल के साथी मुकेश ठाकुर ने बताया कि वो गाड़ी में अपने साथी के साथ कोरोना टेस्ट कराने के लिए आए थे। इसी दौरान चार युवकों ने गोलियां चला दी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं थाना प्रभारी रामबीर डागर ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पड़े गोलियों के खाली खोलों को बरामद किया। जिस गाड़ी में गोलियां लगी हुई थी उस गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बनी रही हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।